पानी का टेस्ट कैसा है? दिस इज नेचर ब्रोस, दिस इज नेचर। बाकी दर्शन करके कैसा लगा भाई? भाई साहब मजा आ गया एकदम। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रानीखेत। आई होप आप सब मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है भाई नए व्लॉग में। पहले बात, सबसे पहले आप देख रहे हो भाई मॉर्निंग का नज़ारा। भाई वहाँ पे ना हिमालय के रेंजेस दिख रही हैं। सो अभी निकल रहे हैं भाई होटल से एंड रानीखेत को कर रहे हैं बाय बाय। अब देखते हैं यार कहाँ के लिए निकलते हैं। चलो भाई जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं एंड मिलते हैं गाड़ी में। तो भाई ये था हमारा होटल, होटल रानीखेत ग्रैंड। हाँ अच्छा था यार, बढ़िया था। तो ये देखिए भाई, ये है रानीखेत का बस स्टैंड। ये जा रहे हैं भाई सड़क। सो भाई ये वाला जो हमारा ट्रिप है ना, वो भाई बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, अनप्लान्ड है बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं बस गाड़ी में बैठ जा रहे हैं, उसके बाद ही सोच रहे हैं भाई कहाँ जाने कहाँ नहीं जाना। तो क्या सोच रहे हो भाई, आप कहाँ चले? बाकी स्टीयरिंग अपने हाथ में है ब्रो, कोई टेंशन नहीं है भाई। रानीखेत में ना ऐसा मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा, बस होटल में रहे और कुछ लोकल में चीज़ें हैं, कैंट एरिया है बस उसी को थोड़ा बहुत घूमा। तो ऐसा मैं मुझे मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आया यार अपने को ना यार, कुछ हिमालयस और बर्फीले पहाड़ इस टाइप के कुछ अच्छे अच्छे से मतलब स्पॉट्स देखने की आदत हो चुकी है। तो बेसिक वाले पहाड़ अपने को भाई पसंद नहीं आते। तो रानीखेत मुझे यार इतना अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, आप इन्जॉय के लिए आ रहे हो, पार्टी वार्टी करनी है आपने, यहाँ पर आइए और सही है, मतलब पीस है ना भाई, शांति। तो भाई स्पेशली ना जब भी मैं पहाड़ों में आता हूँ ना, तो मैं तो यार जैसे बिस्लेरी वगैरह बोतल वाला ना पानी अवॉइड ही करता हूँ जहाँ पे हमें ऐसा पानी दिख गया ना। और ये है भाई अपना नॉन पहाड़ी भाई। भाई अगला बोल रहा है कि यार कैसा लग रहा है, पानी का टेस्ट कैसा है? दिस इज नेचर ब्रोस, दिस इज नेचर। भाई वाकई में ना यार ये नेचुरल पानी है। और जो भी भाई अगर तुम पहाड़ों में आ रहे हो ना, तो भैया ये जहाँ भी आपको मिले ना अपनी बॉटल्स वोटल्स भर लो और यही पानी सबसे बेस्ट है यार। सो वी आर इन द पार्किंग ऑफ कैंची धाम। कैंची धाम की पार्किंग में पहुंच चुके हैं और आपको कराने वाले हैं हम कैंची धाम के दर्शन। तो भाई देख लो भाई, पार्किंग के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है, पूरी लंबी चौड़ी पार्किंग है। तो भाई तो मैं तो पहले अपना वादा पूरा किया है, भाई को हनुमान लला के दर्शन कराने की बात हुई थी और इसको हनुमान लला के हम अयोध्या तो नहीं जा पाए, पर हम आ गए कैंची धाम। कैंची धाम मैं तो पहले भी आ रखा हूँ, बट फर्स्ट टाइम आ रहा ना। हाँ मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और ये पहुँच गया भाई मेन द्वार। चलो वही चलते हैं कैंची धाम। चलो भाई अंदर जाते हैं। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो आपको अंदर का तो कोई दिखाई नहीं सकते। और वहाँ पे गार्ड्स वगैरह भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, आपको फोटोग्राफी के लिए अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे खींचने के लिए, डिलीट करवा देंगे अगर आपने खींच भी ली तो। बाकी दर्शन करके कैसा लगा भाई? भाई साहब मज़ा आ गया एकदम, हनुमान चालीसा पढ़ के एकदम। हनुमान चालीसा भी पढ़ी है? हाँ, हमें तो याद रहती है, हम तो रोज ही पढ़ते हैं, वो तो आपके साथ नहीं पढ़ पा रहे ना दो तीन दिन से। हाँ हम तो रोज ही पढ़ते हैं भाई साहब। पर वहाँ
पे ना बैठ के लोग, काफी सारे लोग बैठ के वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और एकदम भगवान सुनता है वहाँ से डायरेक्ट। आप पढ़ो आगे कभी। अच्छी है, मतलब वहाँ की जो वाइब्स है ना यार बहुत अच्छी है। और अगर आप जैसे वहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह चढ़ाते हैं तो अगर भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होगा तो आपकी ना मतलब चढ़ा के आपको वापस मिल जाएगी, आप सोचेंगे कि वहीं पे चढ़ जाए, तो वो शायद ना हो क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो उन्होंने वापस दे दी चढ़ा के। और अगर भीड़ कम होगी तो वो वहाँ पे फिर चढ़ जाती है। वो ये कहते हैं कि हम इतनी सारी मतलब चढ़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ब्लैंकेट्स कंबल, तो वो कहाँ चढ़ाएंगे इतनी सारी, तो इसलिए उन्होंने वापस ही दे दिया। अब हम जा रहे हैं नैनीताल। Yes, guys. नैनीताल जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे नीचे का व्यू दिखाओ एक बार अभी। चलो भाई नैनीताल पहुँचते हैं। भाई नैनीताल में पहुँच गए और नैनीताल में भाई भीड़ भड़क्का, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। जस्ट अभी मैं हूँ नैनी लेक। ये देखिए भाई, ये है यहाँ पे नैनीताल की जो लेक है, जो फेमस लेक है, यहाँ पे बोटिंग हो जाती है। और अगर आप भी नैनीताल आए ना तो भैया एक तो आपको ना यही ऑप्शन है आपके पास, आप नैनी लेक घूम सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। बट हम क्या प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं, पहले हम यही सोच रहे थे कि यार नैनीताल में स्टे ले लेंगे, बट थोड़ा सा ऐसा प्लान हो रहा है कि ना यार कुछ ऐसी लोकेशन पर चलते हैं यार, भीड़ भड़क्के से दूर ऑफ बीट लोकेशन पर चलते हैं, कहीं गांव साइड में चलते हैं, कहीं पे कैंपिंग करने का प्लान करें। सो अभी चेक करते हैं कहाँ पे कैंप साइट मिल जाती है हमें, और ऐसी लोकेशन जहाँ पे गांव साइड हो। तो कैंप लोकेशन मैं आपको ना अगली वीडियो में दिखाऊंगा भाई। इस वीडियो में यही था। और देख रहे हो पूरा नैनीताल पूरा मतलब भरा हुआ है। और अगर आप नैनीताल अंदर एंटर हो रहे ना तो गाड़ी के लिए आपको भाई 110 रुपये देने होंगे यहाँ पे अंदर एंट्री लेने के लिए। बाकी तो आप फिर बाहर बाहर रोड ही रोड निकल जाओ, आगे आपको जाना है अगर। बाकी हम अंदर गए नहीं तो हमने तो 110 रुपये दिए नहीं। अभी नैनीताल में ना यहाँ पे एक छोटा सा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भर रहा है, भरवा रहे हैं अभी, फिर निकलते हैं। बट जो लोकेशन होगी आपको वो दिखाऊंगा अगले वीडियो में और बताऊंगा भी साथ ही साथ। इतने मस्त लोकेशन पे जा रहा हूँ ना वो, बट मैं अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको कैंप साइट कहाँ पे मैं जा रहा हूँ। भाई रास्ते एकदम ना सुनसान है। और इस टाइप की कैंपिंग भाई अगर आप भी देख रहे हैं ना तो अगली वीडियो ज़रूर देखना। एंड इस वाली वीडियो में यार यही था, हम रानीखेत से चल दिए थे और हम पहुँच गए थे भाई नैनीताल। नैनीताल में यार मेन तो है जो झील है, बाकी उसके बाद आपको यहाँ पर अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी घूमने के लिए। और नियर बाय आप मतलब कैंची धाम भी घूम सकते हैं, और दूसरा आप वहाँ पे गोलू देवता टेम्पल भी है, वहाँ पे घूम सकते हैं। यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।